चलिए आपको बड़ी खबर बता दें, पूर्णिया से नामांकन कर सकते हैं पप्पू यादव। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, 2 अप्रैल को नामांकन कर सकते हैं पप्पू यादव, कांग्रेस के सिंबल पर वो पर्चा भर सकते हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, देखिए कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस ने मांग की थी पूर्णिया सीट की पप्पू यादव के लिए, लेकिन आरजेडी की तरफ से बीमा भारती को वहां से टिकट दिया गया और अब जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस के सिंबल पर वो पर्चा भर सकते हैं। 2 अप्रैल को नामांकन दाखिल कर सकते हैं पप्पू यादव, कांग्रेस के सिंबल पर नामांकन भर सकते हैं, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, पूर्णिया से नामांकन भर सकते हैं पप्पू यादव। हालांकि उन्होंने बयान भी दिया था कि वो दुनिया छोड़ सकते हैं लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ सकते, और अब देखिए एक मायूसी के बाद, नाराजगी के बाद जानकारी मिल रही है कि पप्पू यादव कांग्रेस के सिंबल पर पूर्णिया से नामांकन पर्चा दाखिल कर सकते हैं। 2 अप्रैल तक वो नामांकन दाखिल कर सकते हैं। जानकारी है कि 2 अप्रैल को हो सकता है कि वो यहां से पर्चा दाखिल कर दे, कांग्रेस के सिंबल पर पर्चा दाखिल करेंगे। तो एक तरफ गठबंधन का दावा हो रहा है, महागठबंधन की बात हो रही है, दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से कांग्रेस के सिंबल पर नामांकन दाखिल करने की भी बात सामने आ रही है। और ऐसे में आप कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। आरजेडी की तरफ से बीमा भारती को पहले टिकट दिया गया, जबकि कांग्रेस की तरफ से मांग की गई थी पप्पू यादव के लिए पूर्णिया सीट, लेकिन अब बीमा भारती को जब आरजेडी ने मैदान में उतार दिया है तो अब यहां पर कांग्रेस के सिंबल पर पप्पू यादव नामांकन पर्चा दाखिल कर सकते हैं, इस बात की जानकारी है। 2 अप्रैल को नामांकन वो भर सकते हैं जो खबर मिल रही है। हाल फिलहाल में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, पूर्णिया से नामांकन दाखिल कर सकते हैं पप्पू यादव। शशांक मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शशांक, 2 अप्रैल को नामांकन पर्चा दाखिल कर सकते हैं पप्पू यादव। शशांक, आपको आवाज मिल पा रही है? तो देखिए आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे शशांक को। बड़ी खबर लगातार आपको दे रहे हैं, पूर्णिया से नामांकन पर्चा दाखिल कर सकते हैं पप्पू यादव और 2 अप्रैल को नामांकन कर सकते हैं वो।